हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम पार्ट 7 देखने वाले हैं और ADPO का जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लॉ कैंडिडेट्स, अगर आपने भी अप्लाई कर रखा है ADPO एग्ज़ाम के लिए तो आपके लिए मैंने स्पेशल क्लासेस अरेंज किया है जो GK क्लासेस है, और इसके सीरीज़ जो है आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने सारे वीडियो कंप्लीट नहीं देखें तो जाइए चैनल के ऊपर और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जो ADPO MP ADPO एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ। साथ में आप आई बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट ही सारी वीडियो आप देख सकते हैं जो मैंने अपलोड कर रखा है। और ऐसे ही पार्ट वाइज वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो में, जैसे कि मैंने क्लासेस अरेंज किया है आप सभी के लिए, और ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपके एग्ज़ाम को लेकर, अगर आपने अप्लाई कर रखा है और आप भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज GK के अंतर्गत जो MP में सिलेबस है, हिस्ट्री के अंतर्गत मध्य प्रदेश की बोलियाँ के ऊपर, डेट मीन्स मध्य प्रदेश की लैंग्वेज जो है बोलियाँ के ऊपर, यहाँ से MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आज इसके ऊपर हम इसके डिटेल्स में बात करेंगे और इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की बोलियाँ के ऊपर आज टॉपिक होने वाला है, और इसमें मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक एवं सामाजिक विभिन्नता होने के कारण अनेक प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है। तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे कौन कौन से लैंग्वेजेस जो बोली है वो बोली जाती है मध्य प्रदेश में, और क्या सांस्कृतिक इससे रिलेटेड है। फर्स्ट नंबर में बुंदेलखंडी है, फर्स्ट नंबर में हमारे पास बुंदेलखंडी है। बुंदेलखंडी सोरसेनी अपभ्रंश से जन्मी पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। इसका नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। प्रदेश में इस बोली का क्षेत्र अन्य बोलियों की तुलना में अधिक व्यापक है। इस बोली का विस्तार महाराष्ट्र के चंदा, नागपुर, बुलढाणा, भंडारा, अकोला जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के झांसी, जलौन, ललितपुर, आगरा, हमीरपुर, इटावा, बांदा जिला में एवं मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, पन्ना, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद जिले में है। डेट मीन्स जो बुंदेलखंडी का लैंग्वेज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, और इसमें जो इसका नामकरण है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और जो मैं आज आपको टॉपिक करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड MCQ आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें और सारे इस वीडियो को कम्प्लीट देखें लास्ट तक। सेकेंड जो लैंग्वेजेस है निमाड़ी, तो निमाड़ी या बोली मुख्य रूप से खंडवा और खरगोन, भरद्वाज, भंडवानी, झाबुआ एवं इंदौर जिले में बोली जाती है। यह बोली सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा है। निमाड़ी बोली के कुछ स्थानगत एवं जातिगत रूप से प्रचलित है। तो गाइज, जैसे कि आपको मैं ये लैंग्वेजेस के बारे में बता रहा हूँ तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेट मीन्स यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की निमाड़ी लैंग्वेज कौन से ज़िलों में बोली जाती है, और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या फिर इनका नामकरण किसने रखा था, तो इस तरह का MCQ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीट देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है बुंदेलखंडी। बंगली अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली है। प्रदेश में विशुद्ध, बघेली, रीवा, शहडोल, सतना और सीधी जिले में देखने को मिलती है। इस होली में लोक गीतों एवं लोक कथाओं के रूप में फुटकर साहित्य रचा गया है। नेक्स्ट है मालवी। मालवी हिंदी के राजधानी वर्ग की बोली है। मालवा क्षेत्र में बोली जाने के कारण ऐसे मालवी कहा गया है, या मुख्य रूप से सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास एवं इंदौर जिले में बोली जाती है। नेक्स्ट है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा खड़ी हिंदी की एक बोली है जो मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बोली जाती है। इस बोली में सूरदास, मीरा, रसखान जैसे कवियों ने बड़े पैमाने पर साहित्य का सृजन किया है। कोरकू या गोली बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन जिले के कोर को आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। इस बोली में लोक गीतों एवं लोक कथाओं के रूप में फुटकर साहित्य रचा गया है। नेक्स्ट है भीली या बोली प्रदेश के रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन
एवं अलीराजपुर जिले में रहने वाली भील जनजाति के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट है गोंडी। गोंडी बोली प्रदेश में छिंदवाड़ा, सिवानी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी एवं होशंगाबाद जिले में रहने वाली गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश में जो एडीपीओ एग्ज़ाम का एग्ज़ाम होने वाला है, और साथ में जो अन्य एग्ज़ाम होंगे मध्य प्रदेश में उसमें भी ये सब जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड हम ट्रिक जान लेते हैं कि आप इस भाषा को कैसे याद रखें कि कौन कौन से भाषा मध्य प्रदेश के प्रमुख बोलियां हैं। तो यहाँ पर आप ट्रिक दे सकते हैं, माँ को त्रिव बनी बुंदेली गोभी पसंद है। डेट मीन्स माँ को त्रिव बनी बुंदेली गोभी पसंद है, ये है ट्रिक याद रखने का। अब इसको हम देख लेते डिटेल्स में। माँ का मतलब हो गया मालवी, को का मतलब हो गया कोरकू भाषा, ती का मतलब हो गया तिरहरी बोलियाँ, ब्र के मतलब हो गया ब्रज भाषा, एंड बा का मतलब हो गया बघेलखंडी भाषा, नी का मतलब हो गया निमाड़ी बोलियाँ जो हैं, बुंदली मतलब बुंदेलखंडी, गो का मतलब हो गया गोड़ी, एंड भी का मतलब भिली। ये तरीका है याद रखने का और ये ट्रिक है, माँ को त्रिव बनी बुंदेली गोभी पसंद है। इस ट्रिक से आप मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ जो है याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और जो मैंने आपको वीडियो बताया है उसे कंप्लीट देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर मालवी बोली को किसने दक्षिणी राजस्थानी भी कहा है? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीहोर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? करेक्ट आंसर होगा मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में बुंदेलखंडी बोली नहीं बोली जाती है? करेक्ट आंसर होगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निमाड़ी और मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा का प्रतिनिधित्व करती है? करेक्ट आंसर होगा लोक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवी भाषा निम्न में से किस जिले में नहीं बोली जाती है? करेक्ट आंसर होगा उमरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अन्य बोलियों की तुलना में किस बोली का क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक है? करेक्ट आंसर होगा इसका बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडोरी जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? करेक्ट आंसर होगा गोंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली साहित्य रचना की दृष्टि से अत्यंत समृद्धि समृद्धि है? करेक्ट आंसर होगा बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी से संबंधित बोली कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? करेक्ट आंसर होगा मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के राजस्थानी वर्ग की प्रमुख बोली कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की बोली कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा बघेली। तो गाइस, ये सब जितने भी मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ उसे आप एक कॉपी लेकर राइट डाउन कर ले ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में हेल्पफुल होंगे और आप रिवीजन सही तरीके से कर सकें। साथ में इस वीडियो को आप 2 से 3 टाइम्स देख सकते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन जो है याद हो जाए और समझ में भी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेल राज की स्थापना किसने की थी जिससे यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम बघेली हो गया? करेक्ट आंसर होगा व्याघी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवी निम्न में से किसी क्षेत्र की बोली है? करेक्ट आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली है मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू किस जिले की बोली है? करेक्ट आंसर होगा बैतूल। नेक्स्ट है, ब्रिज भाषा कहाँ बोली जाती है? करेक्ट आंसर होगा भिंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाबुआ की बोली है? करेक्ट आंसर होगा निमाड़ी, मालवी दोनों। तो ये गाइस टोटल एमसीक्यू मैंने जो करवा दिया है और इससे रिलेटेड जो भाषा के ऊपर डिटेल्स में आपको मैंने बताया है और इसके ट्रिक भी मैंने जो बताया है, ये सब आपके इम्पोर्टेंट होंगे जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको इसके डिटेल्स में एक और पार्ट चाहिए जो इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो जीके के ऊपर है क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे पार्ट वाइज करते हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स के पास अपने व्हाट्सएप के थ्रू शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और चैनल से जुड़ सके। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।